आप सबको नमस्कार करती हूँ। प्यार भरा मेरा नमस्कार है मेरे सभी प्यारे प्यारे मास्टर्स को। और सबसे पहले ना मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द इस दुनिया में आ पाई, इतने ग्रेट सोल से मिली, अपने ग्रेट मास्टर से मिली, और मुझे जो है मेरे विचारों को बदलने का मौका मिला। कि जो कुछ चीजें ऐसी थी लाइफ में जो बहुत सवाल बने हुए थे, वो सारी चीजें मेरी यहाँ आके अब वो उन सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे। मैं मेरी जो यात्रा है बहुत बड़ी नहीं है, ये मेरी यात्रा पिछले साल ही शुरू हुई थी। मैं यहाँ शुरू करूंगी। इस यात्रा में मुझे लाया गया है, मेरी सिस्टर इन लॉ है नीलम गुप्ता, वो मुझे लेकर आए इस यात्रा में। सबसे पहले वो पिछले साल जब जिया जी बीमार थे तो वो यहाँ पर आए थे मेरे पास, और उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि भाभी अब ध्यान करो। वो मुझसे ध्यान की बातें तो किया करती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे स्पेशल बोला। रात का समय था, हम बात कर रहे थे कि भाभी चलो मैं आपको सिखाती हूँ ध्यान कैसे लगाया जाता है। मैं हंस पड़ी, मैंने कहा दीदी ये सब क्या है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है दीदी। उन्होंने मुझे बोला कि आप आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद करी। उन्होंने मुझे कहा बोलो ओम। मैंने बोला ओम। फिर कहती कुछ दिखाई दे रहा है, मैं फिर हंसी। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, आप ये सब कर क्या रहे हो, ऐसा नहीं होता, मुझे कुछ नहीं नजर आता दीदी। हाँ मैंने कहा ये सब चीजें पता नहीं लेकिन मैं कब कर पाऊंगी कब नहीं, अभी नहीं समझ पा रही हूँ किसी भी चीज को। उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर समय बीतता गया, बात आई अगले साल 2021 की ही बात है। वो मुझसे हमेशा ही बातें किया करती थी सिर्फ ध्यान को लेकर, लाइक प्रज्ञा दीदी को लेकर। जैसे प्रज्ञा दीदी का और दीदी का हमारा नाता बहुत पुराना है। जब मैं बाबा की शरण में आई तब भी वो मुझसे यही सब बातें करती थी, और जब मैं ध्यान की शरण में आई तो वो मेरे सब एक्सपीरियंस शेयर करते रहते थे। जैसे भी होते थे ना वो मुझे जरूर बताते थे, और मुझे ना सुन के बहुत अच्छा लगता था, और मैं इतनी खुश हो जाती थी कि अच्छा दीदी ऐसा भी होता है, अच्छा सच में ऐसा भी होता है। मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, बड़ा एक्साइटमेंट के साइड पर। मेरे साथ नाता तोड़ा नहीं ध्यान को लेकर, वो हमेशा करती रहती थी बातें। फिर उन्होंने मुझे बोला एक दिन, हमारा जेटीटी पे टीम का सेशन आया, अभी जो लास्ट सेशन था, उन्होंने मुझे बोला कि भाभी आप इसको फिल करो। मैंने कहा दीदी कैसे करना होता है, तो कहती है इसमें ना फॉर्म आएगा, मैं प्रज्ञा दीदी से बात कर लेती हूँ और वो आपका नाम जो है इसमें ऐड करा देगी। जो मेरी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई थी वो थी मेरी जेटीटी पे टीम से ही, जहां मुझे एंट्री मिली प्रज्ञा दीदी की मदद से। फिर वहां मैंने फॉर्म भर दिया, फिर वो सेशन स्टार्ट हो गया और मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। शुरुआत तो मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक थी, तो जब मुझे मैं मेडिटेशन पर बैठती थी तो मुझे स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ होने लगा, पर मैं दीदी के साथ जरूर शेयर करती थी। मैं प्रज्ञा दीदी से एक बार बात जरूर करती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था जब वो कहते थे कि हाँ इसमें ऐसा होता है, आप पिछले जन्म से कनेक्टेड हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी ये सुन सुन के कि अच्छा मतलब मेरा जो ये ध्यान की यात्रा है इसका मतलब पिछले जन्म से ही चलती आ रही है। फिर लेकिन हुआ क्या कि मैं बीच में मेरा जो जेटीटीपी का सेशन था वो पूरा नहीं हो पाया। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत ज्यादा बीमार हो गए, और मुझे ये लगा कि देखो चीज वो करो जो आप दिल से कर पाओ। जब सबसे पहले अपनी भौतिक जीवन की जिम्मेदारियों को समझो जिसके लिए भगवान ने आपको नीचे भेजा है। मैंने उस टाइम पर 6-7 दिन मैंने वो सेशन नहीं किया, और मैंने फिर अपना उनके उसमें लगी रही मैं। फिर जब वो थोड़ा सा वेल बेटर हुए तो मैंने दोबारा जो लास्ट की क्लासेस मेरी बची हुई थी मैंने की। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए, मेरे को 6:45 पर निकलना होता था दोनों बच्चों के साथ, तो मेरा फिर भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। और मुझे दीदी ने तब भी बोला कि भाभी प्रज्ञा दीदी ने ना एक आत्म ज्योति नाम से ग्रुप किया हुआ है और आप उसको ज्वाइन करना। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी अब तो मुझे आ गया ध्यान लगाना, मैं तो अकेले ही बैठ जाऊंगी, मैंने उनको ऐसे बोला। हाँ मैंने कहा नहीं नहीं तो उन्होंने कहा ठीक है आप देख लेना। लेकिन वो फिर मेरा वहां से दोबारा से ध्यान से नाता थोड़ा सा दूर हो गया। फिर उन्होंने मुझे, लेकिन वो मुझसे लगातार बातें करती गई और मुझे बताती गई भाभी ऐसा होता है ऐसा होता है। फिर मैं कभी कभी सोचती थी क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या मुझे भी कभी ऐसा होगा, ऐसे एहसास होंगे, ऐसा जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर मुझे दोबारा मौका मिला सब आप सब लोगों से जुड़ने का, और मैं सबसे पहले फिर जेटीटीपी का दोबारा फॉर्म आया। मैंने ऐसे ही बस ग्रुप पर देखा उसको और मैंने भर दिया उसको, कि मैंने कहा चलो ठीक है ये ऐसे फॉर्म है मैं भर देती हूँ उसको। मैंने भर दिया,
फिर हमारी बात होती रही, फिर दीदी के ग्रुप के बारे में पता लगा, उन्होंने मुझे इतना एक्साइट कर दिया। तो मैंने बोला कि दीदी आप प्लीज प्रज्ञा दीदी को बोलो ना मेरा भी नाम ऐड कर ले। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप डायरेक्टली बात कर लो, आपका नाम ऐड हो जाएगा। फिर मैंने उसी शाम प्रज्ञा दी से बात करी सबसे पहले और मेरा नाम ऐड हो गया। वो एक दिन था जब मैं ध्यान की दुनिया से लगातार जुड़ गई। डियर मास्टर्स मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सुबह क्या होता है ना कि समटाइम्स वर्क प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो मेरा ध्यान जो है सुबह कई बार मैं लगा लेती हूँ, कई बार रह जाता है, लेकिन जो शाम का समय होता है ना वो मैं कभी नहीं छोड़ती। उस समय मैं बिल्कुल अपने आप को फ्री रखती हूँ 4 to 5 कि मुझे एक बार तो करना ही है ध्यान। पहले ना दीदी मुझे कहते कि भाभी पता है मैं एक बार तो ध्यान जरूर करती हूँ। मैंने कहा अच्छा दीदी ऐसा भी होता है। हाँ लेकिन मैंने आज जाना वो सत्य था। आज जैसे मैं खाना खाती हूँ ना ऐसे मुझे इसकी भूख महसूस होती है। अगर मैं सुबह नहीं कर पाती तो मुझे इतनी बेचैनी रहती। पिछले साल शुरू होकर यहाँ हूँ, लेकिन मास्टर्स की मेरे जीवन में परिवर्तन। मेरे अंदर ना गुस्सा बहुत ज्यादा था। गुस्सा नॉट इन द केस कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सबको ही उल्टा सीधा बोलती थी बचपन से, ऐसे मेरे बस मेरे को ये था कि मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब मुझे कोई कुछ कहता था ना उल्टा सीधा बोलता था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो वो यात्रा मेरी गुस्सा शांत करने की वो मेरी शादी के बाद शुरू हुई जब मैं बाबा की शरण में हूँ, और वो भी मैं प्रज्ञा दीदी और नीलम दीदी की मदद से ही गई। वहां पर भी मैं बाबा की शरण, मैंने 11 साल की मेरी जर्नी रही है जो मेरी इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूंगी, देखो दुख सुख जीवन का आना जाना है। इंसान को कभी भी मैं नहीं कहूंगी कि दुखों से हार कर कुछ कमिट करना चाहिए, बल्कि मैंने आज जाना ध्यान की दुनिया में आकर कि हम कह देते हैं ना कि वो पेन्स मिले मुझे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं ये सब हमारे कर्माज होते हैं। हम जो फेस करते हैं वो हमारा सारा एक बैलेंस करने का एक रास्ता होता है कि हमें इसी दुनिया में रह के उनको बैलेंस करना है। मैंने उस 11 ईयर्स की जर्नी में उस हर चीज को बैलेंस किया, बहुत कुछ हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बस वो इसीलिए क्योंकि ये नीलम दीदी का साथ मेरे साथ था, बाबा की चलती गई। और अब ध्यान की दुनिया में आने के बाद आज मुझे उन सवालों के जवाब मिले, मुझे आज पता लगा कि एग्जैक्टली था क्या वो मेरी जर्नी थी जो मैंने की। और हम किसी को हम नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि बिकॉज हम जो करके आए हैं वो हमें पे करना है। और ध्यान में आने के बाद मेरा गुस्सा जिसको मैं कभी शांति नहीं कर पा रही थी, मतलब एक कहते हैं ना 10% फिर भी रह गया था, वो मेरा बिल्कुल शांत हो गया। मेरी जो फिजिकल लाइफ है वो बहुत अच्छी मुझे लगने लगी, मेरी बॉडी में एनर्जीज आने लगी। और अब जैसे मेरा काम है ना टीचिंग का है, मैं पढ़ाती हूँ तो पहले ना मैं फ्रस्ट्रेट सी हो जाती थी, लेकिन अब है ना जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मन बड़ा ही खुश रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हम लोगों को एक चीज ऐसी दे दी स्पिरिचुअल लाइफ की कि आप यहाँ सबसे सिर्फ क्षमा मांगो, मतलब आप अपने कर्मास को बैलेंस अपने आप ऑटोमेटिकली करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। बॉडी के अंदर जब एनर्जीज आती है ना मेरे पेन्स कम होने लगे। जैसे मेरे पैरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है, मेरी बेटी जब बॉर्न हुई थी तब से बहुत ज्यादा सीवर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो अब जो है मेरे को इतनी एनर्जी फील होती है कि जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना मैं वो कर पाती, वो काम। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि बस पता नहीं मुझे क्या मिल गया। उस दिन मैं सुप्रीत भैया के पीछे पड़ी हुई थी कि भैया मुझे डर लग रहा है कि भी अब हमने वो करना तो बैलेंस कर लिए पर आगे का क्या होगा। आगे इंसान में एक फियर होता है ना कि आप वो बैलेंस करके आ गए हो, कहीं आगे आपसे कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आज मुझे उन सवालों का जवाब पूरा मिलता जा रहा है कि आपके जो वो कर्मास है आप वो खुद से ही बैलेंस कर लोगे जब इस स्पिरिचुअलिटी में आप आगे जाते जाओगे ना, क्योंकि आपके मन में ये भाव आ जाता है कि आप गलत करोगे ही नहीं। आपको ये बस दिमाग में, मेरे मन में सिर्फ ये रहता है कि आप अपना कर्मा अच्छा रखो, आप ये देखो ही मत ना कि उसने क्या किया, वो उसका कर्मा है जो उसको बैलेंस करना है, हमें अपना कर्मा बैलेंस करना है। हाँ बस। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स एट लास्ट ये कहूंगी कि मैं इतनी बड़ी बड़ी सोल से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगी प्रज्ञा दीदी से कि संडे को ना मुझे बड़ा अकेलापन महसूस होता है 4 से 5 बजे के बीच में। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दीदी चार संडे को भी आप जो है ध्यान की यात्रा शुरू कर लो, बड़ा अच्छा लगता है सबके साथ मिलकर। जब मैं ध्यान करती हूँ ना मुझे इतना प्यारा लगता है, सबके साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना ऐसा लगता है हमारी एक फैमिली है, एक परिवार है,
और मेरी सिर्फ अब एक यही कोशिश है, मैं जिसको भी परेशान देखती हूँ, कुछ देखती हूँ, मैं सिर्फ उसको एक ही चीज बोलती हूँ, आप एक बार करके देखो, एक बार आपको पॉजिटिविटी आपके एटीट्यूड में, आपके नेचर में, हर चीज में आप सीधे सीधे चलते ही चले जाओगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद, यही मेरी एक छोटी सी यात्रा है ध्यान की तरफ। अब बस मुझे तो अभी एक ही इस चीज का, एक जैसे खाने की भूख होती है, मुझे यही भूख है, मुझे आगे जाना है इस रास्ते और लेके जाना है दूसरों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप अमेजिंग सबका, जर्नी, अमेजिंग जर्नी। थैंक यू। ये बस यही जर्नी है भैया मेरी, छोटी सी जो पिछले साल स्टार्ट हुई थी मेरी। थैंक यू गीति, थैंक यू, बहुत अच्छी जर्नी आपने सुनाई अपनी। मुझे लगता है जरूर है इसका लोगों को भी मोटिवेशन होगा और वो भी अपने जीवन में ऐसे चेंजेस ला सकेंगे।